बात अब सिद्धू मूसेवाला की करेंगे, जिसकी हत्या को पूरे 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बीते 10 दिन के दौरान कई गैंगस्टर ने खुले मुंह से इस हत्याकांड को अंजाम देने का ऐलान भी कर दिया है। कुछ के बारे में पुलिस के जरिए खुलासा हुआ। पुलिस अब तक कई शूटर्स और कातिलों के साथ कई गैंगस्टर्स को भी दबो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे शातिर और धाकड़ गैंगस्टर का मुंह भी खुलवा चुकी है। और अभी सबसे ताजा एक और सिंगर ने सामने आकर अपना मुंह खोला, मगर कत्ल के किस्से से हाथ खींच लिए। सवाल यही उठता है, तो फिर सिद्धू मूसेवाला का कातिल है कौन? मई की दोपहर को सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 10 दिन गुजर गए हैं, मगर एक सवाल आज भी यहां मानसा से लेकर दिल्ली तक हर एक को परेशान किए हुए है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला को किसने मारा। ये सवाल इसलिए भी सबसे बड़ा सवाल हो गया है क्योंकि पुलिस ने अभी तक बीते 10 दिनों में न जाने कितने किलोमीटर की जमीन रौंद डाली, न जाने कितने नए पुराने गैंगस्टर की कुंडली खंगाल डाली। मगर मर्डर से किसी का भी सीधा रिश्ता निकालना तो दूर, घुमा फिराकर भी कत्ल की किसी भी थ्योरी को ठोर तक नहीं पहुंचा सके। पुलिस के साथ साथ पंजाब के तमाम गैंग में इसी बात को लेकर खुसर फुसर हो रही है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। संदिग्धों की कतार में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सबसे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन अपने कबूलनामे में खुद लॉरेंस इस बात से इनकार कर चुका है कि हत्या की इस वारदात को उसने ही अंजाम दिया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। तिहाड़ जेल के अंदर कई बार उससे पूछताछ भी हुई, लेकिन लग ऐसा रहा है कि पुलिस शार्प शूटर्स का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के साथ जोड़ने में ना सिर्फ नाकामयाब हुई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस अभी तक असली हत्यारों तक पहुंच ही नहीं पाई है। इसी बीच वारदात के 10वें दिन एक और बयान सामने आया। इस बयान ने भी पुलिस को बुरी तरह उलझा कर रख दिया है। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि सिद्धू मूसेवाला की ही तरह सुरों को साथ कर पंजाब के लोगों के दिलों पर राज करने वाला सिंगर पैदी है। भगवान जानता है मैं किसी माँ से उसका बेटा छीनना तो दूर ये सब सोच भी नहीं सकता। खुद मुझे भी एक साल से लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। इन हालात ने मुझे जिस्मानी और जहनी तौर पर तोड़ कर रख दिया। इन हालात में अगर मैं खुद को सबसे दूर कर लेता हूँ अपनी जान बचाने के लिए, तो ये कौन सा गुनाह है। मेरी हाथ जोड़ कर विनती है कि मामले की तह तक जाए बिना किसी को भी गुनहगार ना बनाओ। पंजाब पुलिस ने शुरुआती दौर में ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को दरअसल गैंगस्टर्स की गैंगवार के साथ जोड़ दिया था। हालांकि कई सारे फोटो पंजाब पुलिस ने जारी किए, लेकिन जो हत्यारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में नजर आ रहे थे उनका जिक्र पंजाब पुलिस नहीं कर रही है। लग ऐसा रहा है पंजाब पुलिस के हाथ ना सिर्फ खाली हैं, बल्कि यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 10 दिन की जो पुलिसिया तफ्तीश थी वो अभी भी हत्यारों से बहुत दूर है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के सिलसिले में सबसे पहले दविंदर बम्बीहा गैंग ने मनकीरत औलख का नाम घसीटा था। बम्बीहा गैंग का कहना है कि औलख गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी है और वही पंजाबी सिंगरों के बारे में लॉरेंस के गैंगस्टरों को खबर देता है। इस हत्या में मनकीरत का हाथ है, यही बात गोंडर गैंग ने भी कही थी, जिसके बाद मनकीरत औलख को लेकर सवाल उठ रहे थे। उनके मैनेजर के भी हत्या के साजिश में शामिल होने के आरोप लग रहे थे, हालांकि मनकीरत ने इसे झूठा करार दिया था।
ये अब तक का सबसे बड़ा सवाल बन गया है, मगर पुलिस की खामोशी ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। बावजूद इसके, इस सवाल का जवाब देने के लिए गैंगस्टरों में एक तरह से होड़ सी मची हुई है, क्योंकि मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी इस बार लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने ली है। सचिन बिश्नोई ने अपने ऐलान में कहा था, हमने अपने हाथों से सिद्धू मूसेवाला को मारा है। उसकी हत्या किसी पब्लिसिटी या फिरौती के लिए नहीं की, बल्कि बदला लेने के लिए की है, क्योंकि उसने हमारे भाई विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या में बड़ा रोल निभाया था। ऐसे में सवाल जस का तस रह जाता है कि आखिर पंजाब के इस सिंगर की हत्या किसने की, कौन है असल में सिद्धू मूसेवाला का कातिल। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।